हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ये येलो एंड ग्रीन बेसिक आई मेकअप क्रिएट करने वाली हूँ, हाफ कट क्रीज जो कि ट्रेंडिंग में है। एक सर्कल टाइप का होता है सामने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आईब्रोज से स्टार्ट करूँगी एज यूजुअल। तो आईब्रोज को मैं पाउडर पॉमेट के साथ फिल कर रही हूँ एक ब्रश के साथ, जो कि है एक एंगुलर ब्रश। तो इसके बाद जो मैं करूँगी, ब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी। कंसीलर ले लिया है मैंने, कंसीलर के साथ आईब्रोज के जो एजेस है उसको शार्प करूँगी, क्लीन करूँगी एंड उसके बाद एक ब्रश की मदद से उसे ब्लेंड आउट कर दूँगी। एंड इसके साथ साथ मैं आईलिड्स पे भी अप्लाई करूँगी, जहाँ पे मैं आई मेकअप अप्लाई करूँगी। ब्लेंड आउट करने के बाद जो मैं करूँगी, पाउडर कॉम्पैक्ट लेके या फिर आप सेटिंग पाउडर भी ले सकते हैं, उसे सेट कर दूँगी ताकि मेरा जो आई शेडो है वो बहुत अच्छे से बैठे वहाँ पे। एंड इतना ही नहीं, जो कि मेरा कंसीलर था वो भी सेट हो जाए। पहले मैं एक हल्का सा ग्रीन कलर लूँगी एंड मैं उसे क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड उसे अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन पे ब्लेंड आउट कर दूँगी। अभी जो है मैं इस टाइप का एक थोड़ा सा डीप ग्रीन कलर लेके ठीक उस ग्रीन के हल्का ग्रीन के नीचे अप्लाई करूंगी एंड इसे भी अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट कर दूंगी। अभी मैं जो है इस ग्रीन कलर को लेके आउटर से इनर कॉर्नर तक ड्रैग करके इसे भी ब्लेंड आउट कर दूंगी बहुत अच्छे तरीके से। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आई मेकअप में। सर्कुलर मोशन पे हमें हल्के हाथों से टाइम लेके ब्लेंडिंग करना चाहिए, नहीं तो आई मेकअप जो है अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं कंसीलर लूँगी एंड एक पेटल की शेप देते हुए एक हाफ कट क्रीज क्रिएट करूँगी। मैं एक व्हाइट आई शेडो लेके इसके ऊपर अप्लाई करूँगी ताकि ये जो कंसीलर है ये बिल्कुल सेट हो जाए। आई शेडो अप्लाई करने के बाद, जो मैंने हाई व्हाइट आई शेडो अप्लाई किया था उसके बाद मैं एक येलो शेड लूँगी आई शेडो की एंड इसके ऊपर ब्लेंड कर दूँगी। हल्के हाथों से पहले अप्लाई करूँगी, उसके बाद इसे ब्लेंड आउट कर दूँगी अपनी फिंगर की मदद से एंड थोड़ा थोड़ा करके आई शेडो लेके इसे डीप करूँगी। इस येलो आई शेडो के साथ मैंने थोड़ा सा गोल्डन आई शेडो भी मिक्स किया है ताकि एक बहुत हल्का सा शाइन आए। इसीलिए मैं गोल्डन ग्लिटर आईलाइनर लूंगी एंड इसको अच्छे से राउंड शेप देते हुए एक पेटल की शेप दे दूंगी। इसे मैं हल्के हाथों से धीरे से ध्यान रखते हुए ताकि ये बिगड़ ना जाए ऐसे एक पेटल की शेप दूंगी, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आप देखते जाओ। तो ऑफ कैमरा मैंने दोनों आई मेकअप कर लिया है, अभी है फाउंडेशन की बारी। उससे पहले मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी अच्छी तरीके से। आई शेडो के लिए मैंने हिलेरी रोडा का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है एंड अभी है फाउंडेशन की बारी। फाउंडेशन को मैं बहुत अच्छी तरीके से अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करी हूँ। पहले मैं बता दूँ, मैंने मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर अप्लाई कर लिया था ताकि वो दोनों एब्जॉर्ब हो जाए। तो अभी सर्कुलर मोशन में मैं अपने फाउंडेशन को पूरे फेस पे नेक पे अप्लाई कर लूँगी। अभी मैं मेरे फेस पे हाई पॉइंट्स में कंसीलर अप्लाई करूंगी एंड उसे भी ब्लेंड आउट कर दूंगी।
फाउंडेशन एंड जो कंसीलर मैंने अप्लाई किया है उसे सेट करने के लिए मैं लूज पाउडर लूँगी, जो कि मैंने कलर बार का जो पाउडर है उसे यूज़ किया है, एंड इसे भी सेट करने के लिए छोड़ दूँगी। एंड उसके बाद मैं कट क्रीज कर लूँगी। टोर मैं आज पाउडर कंटूर यूज कर रही हूँ अपने चीक बोन पे, एंड जहाँ जहाँ मुझे पॉइंट्स है वहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगी एंड इसे ब्लेंड कर दूँगी ब्रश की मदद से। हाइलाइटर की बारी, तो हाइलाइटर के लिए मैंने मेबलिन का हाइलाइटर यूज़ किया है। ये बहुत ही बढ़िया हाइलाइटर है। मैं हाइलाइटर यूज़ करना पसंद करती हूँ, सब जगह पे मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी, अपने फोरहेड पे एंड मेरे हाई पॉइंट्स पे, चीक्स पे, नोज पे, अपर लिप पे, सब जगह मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। एक पिंक कलर का ब्लश यूज़ किया है, जो कि मैं बहुत ही हल्के अमाउंट में यूज़ करूँगी। एड ब्रश लेके अपना नोज कंटूर कर लूँगी, जो कि पाउडर कंटूर मैंने यूज़ किया है, एंड इसे फिंगर्स की मदद से ब्लेंड कर दूँगी। नोज पे एंड मेरा क्यूपिड बो पे हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अभी है मस्कारा की बारी। मस्कारा के लिए मैंने चार कोट मस्कारा यूज़ किया है, थोड़ा टाइम दे दे के, ताकि वॉल्यूम आ जाए मेरे आई मस्कारा पे, आई लैशेस पे। अब देखते जाओ, पहले स्टार्टिंग में देखो एंड आखिरी में देखना कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है। देखा, मैंने बोला था ना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाएगा। तो अभी मैं जो करने वाली हूँ, मस्कारा लेके मेरे लोअर लैश पे भी अप्लाई कर लूँगी। जो डार्क ग्रीन कलर था एंड जो लाइट ग्रीन कलर था, वो दोनों कलर को मैं मिक्स करके अपने लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर लूँगी एंड उसे ब्लेंड कर दूँगी। अपने इनर आई कॉर्नर्स को हाईलाइट कर दूंगी एक ग्रीन कलर, जो कि थोड़ा सा शिमर शेड में है उसको देके। अब देखो कितना अच्छा कलर है ये। लाइन पे काजल अप्लाई कर लूंगी, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। आईलाइनर की बारी। आईलाइनर में आउटर कॉर्नर के तरफ भी थोड़ा सा ड्रैग करूंगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी, इनर कॉर्नर को छोड़ दूंगी। मैंने मैटमी का ये कलर मैंने चूज किया, ये पीच कलर चूज किया है, डीप कलर है, थोड़ा सा हल्का भी है, मतलब मिक्सचर है, तो इस कलर को मैंने चूज किया है, इसे अप्लाई करूंगी एंड थोड़ा सा हाइलाइटर मैंने लगा लिया है लिप्स के ऊपर। तो गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक, ग्रीन एंड येलो कट क्रीज पेटल आई। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकॉन मस्ट, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।